इस खबर के प्रायोजक हैं शिवम इमरजेंसी हॉस्पिटल अमनौर सारण। क्षेत्र का एक ऐसा हॉस्पिटल जो देता है 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं, जैसे कि पैथोलॉजी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, ऑक्सीजन, नेबुलाइजर, एम्बुलेंस, आईसीयू व एनआईसीयू की सुविधा। हमारा संपर्क स्थान है शिवम इमरजेंसी हॉस्पिटल मढ़ौरा रोड अमनौर, अमनौर पुल से 100 गज पश्चिम। अमनौर में शिवम इमरजेंसी हॉस्पिटल खुला है, जहाँ पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर अनेकों तरह का इलाज, ऑपरेशन वगैरह सब होता है और गरीब जनता का भी सेवा हम करते हैं। शिक्षा के साथ खेल के क्षेत्र में भी इंटेलेंस ने पहल कर कीर्तिमान स्थापित किया है। इंटेलेंस द्वारा खेल का आयोजन कर बिहार के कई जिलों के प्रतिभागियों में छुपी हुई प्रतिभाओं को उभारने का काम किया गया। उक्त बातें इंटेलेंस द्वारा आयोजित 12 दिवसीय महा कॉन्टेस्ट समर 2 के फाइनल से पुरस्कार वितरण, वही पीके फिटनेस जोन डांस टीम ने बेहतर प्रदर्शन कर डांस टीम ने प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार अपने नाम बिल्दी सरन का नाम रोशन किया। वहीं पीके फिटनेस से सह डांस टीचर रविकांत एकेडमी के संस्थापक अमित ने साथ दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला श्रम संसाधन पदाधिकारी श्याम कुमार शुक्ला ने छपरा के स्वराज आश्रम परसा में कही, उन्होंने इंटेलेंस के इस सार्थक प्रयास के लिए आयोजक को बधाई दिया। कार्यक्रम को बिहार चिकित्सक संघ के महासचिव डॉक्टर कुमार अरुण, जिला कालाजार पदाधिकारी डॉक्टर दिलीप सिंह, जिला कुशल पदाधिकारी संजय कुमार, बीडीओ रजत किशोर सिंह, नप मुख्य पार्षद सुमंती देवी, डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद राय, डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा ने इंटेलेंस महाकॉन्टेस्ट में शामिल लगभग 5000 प्रतिभागियों तथा मुख्य अतिथियों को फलदार पौधा देकर पर्यावरण सुरक्षा का संदेश दिए जाने की सराहनीय कार्य पर आयोजक को बधाई दी। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में निदेशक डॉक्टर विश्वकर्मा शर्मा द्वारा अंग वस्त्र तथा जैविक पौधा देकर सम्मानित किया। महाकॉन्टेस्ट में सफल प्रतिभाओं को कुछ अतिथि द्वारा प्रमाण पत्र, कप, मेडल तथा फलदार पौधा देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन जितेश राज ने किया। कार्यक्रम में विनोद दास रेफरी, साकेत कुमार, कौशलेंद्र कुमार, रंजीत सांडिल्य, प्रियंका कुमारी, अमित कुमार, पिंटू कुमार आदि उपस्थित थे। और दूसरे में और इसको उन्होंने जी हाँ, तो दूसरे के अध्यय कर रहे हैं हमारे डायरेक्टर से। और फाइनली जो दर्शकों से स्वागत होता रहे, जी हाँ, और मैं आपको कैसे बाहर लेके आए इस पर हमने एक्सरसाइज किया, और जब एक्सरसाइज किया तो देखा कि इसके लिए एक स्पोर्ट्स की जरूरत है और इस स्पोर्ट्स में ही इन लोगों को लेके आ सकता है बाहर, और इसीलिए मैंने ऐसा आयोजन किया ताकि दूर दराज के लड़के आए और नॉलेज शेयरिंग हो। जो बाहर से लड़के आए, जैसे पटना से अच्छे स्कूल से आए, कॉलेज से आए, मुजफ्फरपुर से आए, सिवान से आए, तो जो हमारे ग्रामीण परिवेश में जो बच्चे हैं, जो स्कूल्स के हैं, कॉलेज के हैं, उनमें और उनके बीच में जो एक गैप है नॉलेज शेयरिंग का, वो पार्ट हुआ, वो भरा, वो फिल करा हमने, और साथ में एक जुनून और एक जज्बा यहाँ के बच्चों में डाला कि एडुकेशन और स्पोर्ट्स एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए मैंने ऐसा कुछ करने की कोशिश किया और मुझे लगता है कि आप लोगों के सहयोग से सफलता भी प्राप्त हुई।